गुरुवार को केंद्रीय उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा कार्यक्रम था। इसमें केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने गुना जिले में होने वाले और हो चुके कार्यों का लोकार्पण किया। लेकिन इस कार्यक्रम में खास बात यह रही कि गुना मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम उमरी में सिंधिया के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आंगनवाड़ी परियोजना विभाग की सुपरवाइजर गिरजा जाटव ने अपने एक ग्रुप में एक वॉइस ऑडियो डालकर सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए, जिनके द्वारा कहा गया कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दोपहर के समय बिना यूनिफॉर्म के ग्राम उमरी में सिंधिया जी के कार्यक्रम में आना होगा, जिसमें किसी भी कार्यकर्ता के न आने के लिए कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, न ही कार्यकर्ताओं को छुट्टी दी जाएगी। इसका ऑडियो मीडिया के समक्ष सामने आया, जिसके बाद परियोजना अधिकारी प्रदीप मिश्रा से संबंध में बात की गई तो उन्होंने बात करने में और अपनी बाइक देने से मना कहा और कहा कि मुझे बाइक देने से संबंधित अधिकारियों ने मना किया है। आखिर समझ से परे है कि किसी नेता के कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की क्या जरूरत पड़ती है, और कारण सुपरवाइजर के साथ उन सभी कार्यकर्ताओं को आने के लिए निर्देश दिए। अब देखना होगा कि इस आदेश के पीछे कौन कौन से अधिकारी सम्मिलित हैं और आगे प्रशासन के द्वारा आंगनवाड़ी अधिकारी व सुपरवाइजर के ऊपर क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। इस तरह अगर नेताओं के कार्यक्रम में शासकीय कर्मचारी अपनी दस्तक देने लगे तो फिर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे आम आदमी को होने वाली समस्या जैसी की तैसी रहेंगी। और फिर भी किसी विभाग में कार्यरत कोई अधिकारी हो या कर्मचारी अगर इस तरह नेताओं के कार्यक्रम में लगा रहेगा तो फिर आमजन की समस्या कौन देखेगा। देखा जाता है कि आमजन आए दिन हाथ में कागज लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते नजर आते हैं। अधिकारी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सर आप मैन अधिकारी हैं गुना जिले के और आप बाइट देने से जानकारी दे, इसका मतलब ये माना जाए कि आपके संरक्षण में सुपरवाइजर मनमानी कर रही हैं या आप खुद करा रहे हैं? इसका मतलब यही माना जाएगा कि आपके संरक्षण में सुपरवाइजर सारी अपनी मनमानियां कर रही हैं। सर इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, उस पर कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। नहीं तो आप तरफ मेरी टिप्पणी चाहते हैं जबकि मेरे पास कोई अभी लिखित कार्रवाई आई। लिखित कार्रवाई हम बता रहे हैं सर आपको, मीडिया बता तो रही है। पहले परीक्षण के पहले आप बाइट लेना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारे पास साक्ष्य ना, इसलिए हम बाइट लेंगे। तो साक्ष्य का आपने निर्णय क्या कर लिया? क्यों आप बताइए ना, निर्णय बाकी है? नहीं, कहाँ निर्णय बाकी, आप बताइए ना। सारे एविडेंस सारे हैं आपके, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि निर्णय आना बाकी है आपके पास है, तो उसी कारण तो हम आपसे पूछ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, आपके पास साक्ष्य छाया तो तत्काल उसी वक्त कार्रवाई आप ही की स्तर से, मतलब उसको आएगा प्रोसेस में लेंगे, उसका परीक्षण होगा, उसके बाद किसी की बात करेंगे। और बाइट देने का अधिकार परियोजना स्तर पर नहीं है। किस नियम के तहत नहीं है सर? आपके पास कोई गाइडलाइन होगी इसलिए उसको लेकर। पूर्व में बीसी में निर्देश आपको किसने दिए थे ये बताइए, कि मीडिया कोई सवाल आपसे पूछेगी और आप उसको किनारा कर देंगे? बताइए किसने निर्देश दिए थे आपको ये? कई बार बता चुका। किसने बताया सर, आप हमें बताइए, हम तो पहली बार आपके पास आए। विभागीय कोई अधिकारी तो होगा सर? हाँ, मुझे इतना याद है। जिस अधिकारी ने दिया है? मुझे याद नहीं है। कल उमरी में माननीय सिंधिया जी आ रहे हैं तो सभी कार्यकर्ताओं को विदाउट यूनिफॉर्म यानी सिविल में पहुंचना है कल 2:30 बजे। हर हाल में पहुंचना है 2:30 बजे, माने 2:30 बजे सभी ध्यान रखें, टाइमिंग का ध्यान रखें। उमरी के कार्यक्रम में जाना है, अब चाहे जैसे जाना पड़े, और वहाँ हमें मॉनिटरिंग करना है। मैं उपस्थिति लूँगी बाकायदा कि कैसे आपको वहाँ जाना है और कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, तो वहाँ जाना सुनिश्चित करें। कोई छुट्टी नहीं मांगेगा मुझसे, कोई अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा, इसलिए कल में आना जाना ही पड़ेगा आपको। तो सभी ध्यान से सुन लें, नोडल सभी को बता दें, 2:30 बजे कल आपको उमरी पहुँचना है। मैं आना गलती से भूल गया हो तो माफ़ करना, बाकी उमरी आपको जाना है कल, ध्यान से सुन लें।